हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके लिए टेक्निकल हेल्पर के अलावा सभी भर्तियों हो जिनके अंदर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इस प्रकार है, डीसी मशीन में जो वेव वाइंडिंग है उसमें समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रोजाना डिस्कस करेंगे अपन इस तरह के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बताएं, डीसी मशीन में जो पैरेलल पाथ हैं वह वेव वाइंडिंग में कितने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट एक, ऑप्शन सेकंड तीन, ऑप्शन नंबर थर्ड दो और ऑप्शन नंबर फोर्थ पांच। तो बताएं, जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? दो होती है, और लेप में क्या होती है? पोलों की संख्या के बराबर होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, दो नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है, डीसी मोटर के एक परिदृश्य पर विचार कीजिए। कंडीशन पूरी दे रखी है, क्या पूछा है इसके अंदर? जल्दी से दो नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या है, जो धारा वहन करने वाला तार है उसमें चुंबकीय बल एफ का फॉर्मूला अपने को इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो बताएं, फोर्स इक्वल क्या होता है डीसी मोटर में? तो एफ इक्वल क्या होता है? बी आई एल साइन थीटा। और किस में आता है फोर्स? न्यूटन में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ध्यान रखें, इस तरीके के कंटिन्यू रोजाना अपन 10 क्वेश्चन देखेंगे। अगला, तीन नंबर क्वेश्चन, एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक का एक उदाहरण है, बताएं। इज इन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स ए कंपाउंड, बताएं। क्या पूछा है? देखो, घटक जो होते हैं वह निष्क्रिय यानी एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं। सबको पता है एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं। इसमें अपने को क्या पूछा है? एक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल पूछा है, तो वो भी बताऊंगा। याद रखिए, जो पैसिव एलिमेंट होते हैं वह कौन सा होता है? आर एल सी, ये तीनों किस में आते हैं? पैसिव एलिमेंट में आते हैं। साथ में कौन आता है? ट्रांसफॉर्मर। याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का एलिमेंट होता है। तो ये क्या होते हैं? पैसिव एलिमेंट कौन कौन होते हैं? आर एल सी और ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं? पैसिव एलिमेंट होते हैं। आर का मतलब प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र और ट्रांसफॉर्मर, ये तीनों किस में आएंगे? पैसिव एलिमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट क्या आते हैं? अंदर क्या आते हैं? वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और एफईटी, मोसफेट, जेएफईटी, एलईडी, शॉर्ट की डायोड, इस तरीके के सभी किस में आते हैं? एक्टिव एलिमेंट में आते हैं। तो इसमें अपने को क्या पूछा है? एक्टिव एलिमेंट ही पूछा है। चलिए, पहले ऑप्शन में क्या दिया? प्रतिरोध। ये किस में आता है? पैसिव में नहीं होगा। दूसरे में क्या दिया? ट्रांजिस्टर। तो क्या होता है? ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट होता है। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। याद रखिएगा, मैंने आपको सभी बता दिए दोनों प्रकार के एलिमेंट के पूरे एग्जाम्पल। चलिए, किस तापमान और वायुमंडल पर कार्बन संगठित प्रतिरोधक छड़ को इसके प्रवेशन के दौरान संतृप्त किए जाने की आवश्यकता होगी, बताएं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन के जो 2500 डिग्री सेल्सियस है उसके लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पांच नंबर क्वेश्चन, जब प्रतिरोध रंग कोड के चार बैंड प्रतिरोध को दाएं से बाएं पढ़ा जाता है, क्या बोल रहा है? ये कलर कोड का रेजिस्टेंस है, फोर बैंड का, ठीक है? इसे दाएं से बाएं पढ़ा जाता है तो बैंड में प्रतिरोध की सहिष्णुता का मान यानी कि टॉलरेंस का मान कौन बताएगा? तो क्या है, राइट साइड ये होगी रेजिस्टेंस की और ये लेफ्ट साइड होगी। तो पढ़ किधर से रहा है? राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ रहा है। तो ये सबसे पहली क्या हो जाएगी? टॉलरेंस हो जाएगी। तो यही पूछा है कि टॉलरेंस कौन सा बैंड दिखाएगा, तो कौन सा दिखाएगा? पहला बैंड क्या दिखाएगा? टॉलरेंस दिखाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ में आया?
पहला और दूसरा बैंड अगर लेफ्ट साइड से आएंगे तो पहला बैंड क्या दिखाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट और ये भी डिजिट, और तीसरा क्या दिखाता है, मल्टीप्लायर, और फोर्थ क्या दिखाता है, टॉलरेंस दिखाता है। और यहाँ पूछ क्या लिया, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान का प्रयोग प्रतिरोध के आउटपुट के लिए किया जा सकता है जो इसके लिए लागू वोल्टेज का फलन होगा, बताएं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया है, पैसिव रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड संधारित्र, ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रिमर, ऑप्शन नंबर फोर्थ विभवमापी। तो क्या हो जाएगा, विभवमापी का उपयोग प्रतिरोध के आउटपुट के लिए किया जा सकता है जो इसके लिए लागू वोल्टेज का क्या होगा, फलन होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली के मेंबर जरूर बन जाएं। रोजाना डिस्कस करेंगे अपन, कोशिश करेंगे रोजाना इस तरीके के 10 क्वेश्चन तो अपन रोजाना निकालें ही, साथ में बीच में लाइव क्लासेज भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जरूर आएगी। ये सभी 10 क्वेश्चन की क्लासेज रोजाना रिकॉर्डेड अपलोड आपके इस चैनल पे आपके लिए होती रहेगी। चलिए अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन है वह है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक में लगभग खालिस्तान संयोजकता बैंड और लगभग खालिस्तान चालन बैंड और लगभग जो क्या है बैंड निश ऊर्जा अंतराल होता है, बताएं। क्या पूछ रहा है, इंग्लिश में पढ़ेगा क्वेश्चन, हिंदी में आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, एक तो क्या होता है ऑलमोस्ट फुल वैलेंस बैंड होता है, दूसरा क्या होता है ऑलमोस्ट एम्प्टी यानी खाली कंडक्शन बैंड होता है, और फॉरविडन नेरो फॉरविडन एनर्जी गैप होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ इसने एक साथ पूछ लिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से किस कारक का प्रयोग एक आंतरिक अर्धचालक के चालन गुण को अलग करने के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आकृति, ऑप्शन सेकंड तापमान, ऑप्शन नंबर थर्ड आकार, ऑप्शन नंबर फोर्थ रंग। तो बताएं किस कारक का प्रयोग आंतरिक अर्धचालक के चालन गुण को अलग करने के लिए किया जा सकता है, कौन सा कारक है वो, तापमान, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से घटक का प्रयोग एन प्रकार के अर्धचालक निर्माण के लिए किया जाता है, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और ऑप्शन आपके सामने ये आ रही है, बताओ निम्नलिखित में से कौन से घटकों का उपयोग एन प्रकार के अर्धचालक के निर्माण के लिए किया जाता है, तो त्रिसंयोजी तो नहीं किया जाता, पंचसंयोजी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक अर्धचालक बी और सी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो जो किस ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, समझ में आ गया। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आईसी का उपयोग करने का एक लाभ इंगित करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का इनमें से कौन सा लाभ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, लो पावर अपव्यय, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रेरकों के व्यवधान में आसानी, ऑप्शन नंबर थर्ड उच्च वोल्टेज पर संधारित्रों का असीमित मूल्य, और ऑप्शन नंबर फोर्थ कम बिजली की खपत। आईसी का एक सबसे अच्छा लाभ इसमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने से क्या होता है, बिजली की खपत कम होती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए अपन 10 क्वेश्चन इतने ही देखेंगे, रोजाना अपन 10 क्वेश्चन इस तरीके के देखेंगे, आप थ्योरी कहीं भी पढ़ते होंगे, टेस्ट सीरीज यह है 10 क्वेश्चन की रोजाना दें, थोड़ा सा समय लेते हैं हम, और बीच बीच के अंदर अपन लाइव टेस्ट सीरीज ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की करते रहेंगे, आपका जिस हिसाब से कमेंट आएगा। तो आज के यह 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे, कितने आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल दोबारा, जय हिंद जय भारत।